नमस्कार आपन देखछन अर्गस अपडेट आपन स मो बिस्मी देखिनबा संपूर्ण खबर आज कलाहांडी जिला मुखीगुड़ा उठा जलसेचन प्रकल्प उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। यह अवसर में चाषी लगे बार्ता देवे नवीन। तेज कालिया योजना ठू नहीं समग्र पश्चिम ओडिशा रे धानमंडी समस्या जो बढ़ुवा चाषी असंतोष को प्रशमित करने लगी मुख्यमंत्री मास्टर स्ट्रोक कहपर अतीतर समल ब्यारेज भली केनाल जलसेचन योजना फेल मारिबा एवं वर्तमान अनेक उठा जलसेचन कार्यक्रम नहेबा सह अचल हो चाषी भितर असंतोष भी द्विगुणित हो। सेपटे मुख्यमंत्री कलाहांडी गस्त पूर्व गत काली राति जमीला मंत्री और विधायक मानक भोजी भात और अर्केस्ट्रा जूनागढ़ विजु पट्टनायक स्टेडियम निकट में चलता भोजी आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जोगदेवा आसता प्राय षाठी ऊर्ध मंत्री और विधायक यह आयोजन में जोगद तेज प्रश्न उठू भोजर आयोजन किए कर उद्देश्य कौन था यह कार्यक्रम एक भिडियो किसी समय पर सोशल मीडिया भाइराल होता और डिलीट कर दि जा झारसुगुड़ा जिले में प्रशासन पुणी चिंता बढ़ाई महामारी कोरोना गत 8 तारीख रु स्कूल खोलिबा परठु कोरोना आक्रांत छात्र छात्री संख्या बढ़िबार लगी। गत काल 22 जन छात्र छात्री कोविड पॉजिटिव बाहर कोरोना संक्रमण पर मार्च मासरु स्कूल कॉलेज बंद रही बेले गत 8 तारीख रु खोली स्कूल और कॉलेज मात्र स्कूल और कॉलेज खोलिबार 5 दिन भितर कोरोना तार कोप देखाइबा आरंभ कर गत 5 दिन में जिले में 50 रु ऊर्ध छात्र छात्री और शिक्षक कोरोना आक्रांत होगा पर झारसुगुड़ा जिला प्रशासन चिंता बढ़ी जाए पुणी 22 जन छात्र छात्री कोरोना आक्रांत होता जमापड़ फलर भयर वातावरण खेली जाए प्रशासन पक्ष त्वरित कार्यानुष्ठान ग्रहण कर संपृक्त अंचल को सानिटाइज कर नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे आज मकर संक्रांति भारत सब प्रांत भिन्न भिन्न नाम पालन करा जाए खासकर यह दक्षिण भारत सबुठ बड़ पर्व दक्षिण भारत में यह पोंगल बोली कहा जाए। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण गति करते मकर संक्रांति बेलू ओडिशा धान आखु आदि नुआ फसल अमल होता है तेणु से ही दिन नुआ धान प्रस्तुत अपक्व अरुआ चाउल नुआ गुड़ छेना नड़िया कदमी घी क्षीर दे मकर चाउल प्रस्तुत होता है। यह मकर चाउल को सूर्य को अर्पण कर समस्ते सेवन करे ओडिशा रे मकर संक्रांति रूपे पालन करा बेले पर्व को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रे पोंगल पंजाब रे लोहरी आसाम रे बिहू पश्चिम बंग रे पौष संक्रांति एवं गुजरात रे उत्तरायण भाव पालन करा जाए। आज मयूरभंजर गणपर्व मकर संक्रांति आज भोर समय आरंभ हो मकर उत्सव गाँव में जलाशय निकट राति तमाम मकर पला को जगी रहा सहित सकाल समय विधि मुताबक पूजार्चना करापर मकर पलार अग्नि संजोग तेरे उदलारे किभली रही मकर माहौल सेने अधिक सूचना देखते आम उदला प्रतिनिधि संतोष कुमार बाछनी। गणपर्व मकर पर्व जहाँकि समस्त भितर आनंद उल्लास किंतु ये कोरोना कटकणा भितर जहाँकि उत्सव निहाती फिका पड़ आम देखा जहाँ आज पाइं आम आज अच्छे उदला सहरांचल जेटा कि एनएससी एरिया रो तो मकर पला किमती परंपरा अनुजाई परंपरा अनुजाई किमती मकर पर्व पालन कराँ सका भोर आसी से जलाशय पाखे गाधाती गाध सारापर से पूजा करती पूजा कर सारापर से मकर पला को अग्नि संजोग करती प्रकार आम जहाँ देखा पाइल एवं आम निकटने अच्छा जो मैंने पूजा करूले से किमती पूजा करूले आर कौन रही तमाम आगामी दिन में कौन पूजा करके आराधना करती कहीं मकर पला ये अग्नि संजोग कराए से बाबद आम पचार बुझा आप नाटा कौन मो नाटा सेराल सोरेन जगन्नाथी ग्रामवासी बुंद आमर ये पूर्वपुरुष रु आम पूजा हो आसूँ आमर जमानकर रखी आम ये आम सका पूजा करूँ गाधे पाधे कौन आराधना करती कौन मैंने मागती पूजा कर आमर यहाँ बर्ष सारा जमी नुआ बर्ष आपणकर अच्छी आमर भी सेम गोटे
आदिवासी सांताल संप्रदाय गोटे नुआ वर्ष आज पाखु आम वर्ष सारा केमती आम चल भलमंद सब ठीक ठाक से विषय आम पूजा कलु आज पाखु आम भल प्रतिज्ञा कलु भल रही प्रतिज्ञा करुंट अग्निसंजोग कले मकर पोलारे केमी भल रही ये गोटे नुआ वर्ष आदिवासी सांताली संप्रदाय समस्त ये मुरबी मैंने आसिक रुंड होती महिला पुरुष छोट छोट पिला आसिक मकर पोलारे से अग्निसंजोग परंपरा अनुसार पूजा करापर आम प्रतिक्रिया नवा आम पाखे आउ जे जगन्नाथी गाँव रे मुरबी अच्छा आम प्रतिक्रिया नवा आप मिर्जा वास्के तो ये जो मकर पोला हूँ ये जो परंपरा अच्छी ये जो सांताली संप्रदायर परंपरा अच्छी के वर्ष होगा चलना यहाँ पखापाखि आमर हो गला तीस चालीस वर्ष चालीस वर्ष आज जो मकर पोला केमी लगुच पूर्व वर्ष केमती केमी पालुं पूर्व वर्ष ठारे वर्ष आहरी बहुत उन्नत धरण आम जहाँ देखुचु आम प्रत वर्ष एमती आम पिल्चु हालां पिल्चु बुढ़ी जेटा को कहती पूर्वपुरुषर बापा माँ आम से ही हिसाब से आम एटा पालन करी आमर पूर्वपुरुष आम जे रकम कहते पिल्चु हालां पिल्चु बुढ़ी थी आमर दुनिया रे भल आम सुख शांति पाऊ एवं आज दिन में से माने जो मैंने स्वर्गवासी होती पितृपुरुष मानक आराधना करी अग्निसंजोग करी जहाँकि युवक मैंने बहुत उत्साहित अच्छा ये जापारे ये डीजे बाजुची ये समस्ते नाचुंट नाचर माहौल नौकर कि समस्त भितर गोटे आनंद रही यापर आम पचार बुझा आज जन आम युवबंधु अच्छा से कौन कहे ये जो परंपरा चली नाँटा कौन मो ना हो शुक्ला हंसदा तो ये परंपरा कते वर्ष होगा चलना आज कमी आनंद लगुच आज कमी आनंद अच्छे आप देखो ये वर्षा बहुत तीस चालीस वर्ष पूर्व चली आसू आम जो पूर्वपुरुष मैंने अनुमोदन अनुक्रम नहीं कि आम यही मकर पर्व बहुत भले पड़चु आम पूजा पाठ करके मैंने सका गाधे पाधे धूप धूप देखिए जाए मकर पर्व चली जाऊ आराधना नहीं कि आम जी आग को जमी खुशी रहा यही वर्षा आम जमी खुशी जीव समस्ते खुशी रही आम से प्रतिज्ञा करा लगे था ये प्रतिज्ञा से नहीं आम जमी खुशी रहा आम पितृपुरुष मैंने आत्मा को सद्गति कामना करते पूजा करते जलाशय जो निकट में अच्छे से गाधोते अति शुद्ध पवित्र मनरे से आज यही परंपरा को पालन करदलू संतोष बाछिनी अर्गस न्यूज सहीपरी आज पवित्र मकर संक्रांति श्रीमंदिर पालन होगा महाप्रभु मकर रीति महाप्रभु श्रीजगन्नाथ द्वादश यात्रा मध्य मकर संक्रांति एक प्रमुख यात्रा होतेबार एथिपाई श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर स्वतंत्र नीति निर्घंट कर महाप्रभु मंगल आलती और अवकाश रीति बढ़ापर श्रीजीव मान पटा पहरण लगि त्रिमुंडी में मकर चूल लगि होता है यापर कर्पूर लगि श्री विग्रह मान बेश बढ़ी था गोपाल वल्लभ और सकाल धूप नीति बढ़ापर मैलम महास्नान सर्वाग्न लगि नुआ लुगा लगि मालचूल लगि होगापर छ मूर्ति अलंकार लगि मकर बेश बढ़ी था ज्योतिष शास्त्र अनुजाई आज ठार् सूर्यंर आरंभ हो उत्तरायण गति यह उत्तरायण समय अतीब शुभंकर अवसर में मालचूल अलंकार पिंधि मकर चौराशी बेश भक्त को दर्शन देवे श्रीजीव सेपटे मकर चाउल भोग अंपटे कोविड कटकणा भितर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देखा अनेक संख्य भक्त मैंने श्रीमंदिर मकर संक्रांति अवसर में महाप्रभु को दर्शन करने मकर चाउल प्रसाद पाइबा आसी था परलोकरे पद्मश्री डी प्रकाश राव आज कटक कालिया बोदारे हेबो अंतिम संस्कार राष्ट्रीय मर्यादा सह हेबो शेषकृत संपन्न गतकाली एससीबी कोविड हॉस्पिटल रे ब्रेन स्ट्रोक रे प्रकाश को देहांत होइतिला कोरोना रे आक्रांत होई मेडिकल रे से चिकित्साधीन थिले तेबे पद्मश्री डी प्रकाश राव जड़े जनासुरा समाजसेवी परिचित थिबा बेले चा दुकान करी बस्ती पिलांको पाठ पढ़ाइवा सहित गरीब मानक सहाय करुथिले जहाँ केन्द्र सरकार पक्ष 2019 पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 कटक गस्त समय डी प्रकाश बाबू को आमंत्रित करने सहित आलोचना करते सहित प्रधानमंत्री मोदी मन की बात प्रकाश का भूयसी प्रशंसा करने सहित प्रकाश का जीवन समस्त
प्रेरणादायी बोली मन की बात रे कहिथिले। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे ओडिया भाषा साहित्यर महामनुष तथा कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापतिंक आज जन्मजयंती। ओडिया भाषा साहित्यकु सुरक्षा देबारे हेउ किंबा समाज संस्कार दिगरे हेउ तांकर अवदान अतुलनीय होइ रहिछि। से लेखि जाइथिबा कालजयी गल्प उपन्यास आजि बि अन्य गाल्पिक ओ उपन्यासिंकक पई एक माइलखुंट होइ रहिछि। संक्रांति पुरुष व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति बालेश्वर सहररे रहिछि एक छोट गाँ मल्लिकाशपुर 1843 मसीहा जनवरी 14 तारीख में मकर संक्रांति जन्मग्रहण करते जने गाल्पिक और औपन्यासिक भाव से निज समय ठार बहु आगरे थे। ओडिया साहित्य जगत में फकीरमोहन अनेक नुआ कथा करते बड़े ओडिया भाषा क्षुद्र गल्प आत्मजीवनी चरित भ्रमण कहानी आदि लेखा हो ना से रचना करते पुणी अति सरल और गाउली भाषा। परी मामलें सुप्रीम कोर्ट को गुरुत्वपूर्ण शुणाणी कहीं सीबीआई तदंत नई राज्य सरकार को पक्ष रखा नोटिस जारी कोर्ट। राज्य सरकार पक्ष रखा परवर्त निर्देश देवे सुप्रीमकोर्ट। सेपटे ब्रेन मैपिंग मना कर नाबालक अभियुक्त लाइ डिटेक्शन और ब्रेन मैपिंग विफल होगा लेयार वॉइस एनालिसिस टेस्ट करने को आवेदन कर सुप्रीम कोर्ट रे पहुंचिला परी मामला। सीबीआई तदंत पाई पिटीशन दाखल कले परीर मां। राज्यर निखोज पिलांकु नै सीबीआई तदंत दाबी। पक्ष रखिबा को ओडिशा सरकार और सीबीआई को नोटिस। नयगड़ नाबालिका हत्या मामलार तदंत करि पारे सीबीआई कारण सुप्रीम कोर्ट रे नै राज्य सरकार को नोटिस जारी करिछंती। गत 29 तारीख रे सुप्रीम कोर्ट रे द्वारस्थ होइतिले परीर मां जहार शुणाणी करी एही नोटिस जारी करी सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस एम खानविलकर जस्टिस बीआर गर्भी जस्टिस कृष्णा मुरारी नहीं गठित बेंच मामलार शुणाणी करी ओडिशा सरकार और सीबीआई को नोटिस करी। मामलार शुणाणी बेले राजनैतिक हस्तक्षेप प्रसंग मध्य उठीला। आवेदन में केवल परी नुहे परी राज्य में प्रत्येक दिन निखोज होता 13 जन पिलांकर संधान सीबीआई करिबा को दाबी करिथिले कुनी झियर मां। परी मामलें नयगढ़ पुलिस निर्यातना ठू आरंभ करी मंत्री अरुण साहू का संप्रति अभियोग कथा उल्लेख रही एसआईटी निरपेक्षता को नहीं भी एथिरे प्रश्न उठा जाए। बच्ची का मैटर लगा था जिसके साथ वो किडनी रेप भी हुआ है मर्डर भी हुआ है उसकी किडनी भी निकाली गई है ओडिशा में। तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने एक रेप पिटीशन फाइल की थी जो विक्टिम माइनर गर्ल थी उसकी माँ के नाम पे सुप्रीम कोर्ट आई थी और आज वो केस जस्टिस खानवलकर जस्टिस गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी के बेंच पे मैं केस लगा था। उनके बहस को सुनने के बाद ये पाया कि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो ठीक नहीं हो रहा है और इसीलिए नोटिस इशू कर दिया स्टेट ऑफ ओडिशा को कि क्यों ना ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये जो घटना हुई है जो वो बच्ची के साथ वो जो घटना हुई है वो उससे बड़ी अमानवीय घटना हो नहीं सकती और उसको उस जो इन्वेस्टिगेशन जैसे हो रही है जैसे जो पीड़ित लड़की है जो डिसीज्ड लड़की है उसके माँ बाप को जैसे धमकी मिल रहे हैं जैसे कुछ लोकल पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस दिख रहा है मैटर में ये सारी चीजें आज बहस हुई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। ये अगली हियरिंग एक महीने बाद होगी 4 वीक का टाइम दिया है नोटिस रिवर्ट करने के लिए। पुणी एसआईटी को लागिछि आउ एक झटका। अभियुक्त नाबालकर ब्रेन मैपिंग आवेदन को अनुमति देइ नहंती जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। नाबालकर असहमति कारण अनुमति देइ नहंती बोर्ड एथिसह नाबालक को रिमांड रे नैथिबा समय रे ताकु दिया जाइथिबा निर्यातना संपर्क रे जवाब मागिबा को बोर्ड को अनुरोध करिछंती नाबालकंक वकील। नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग रे विफल हेबा परे नाबालकर एलवीए बा लोअर वॉइस एनालिसिस टेस्ट कराइबा पई आवेदन करिछि एसआईटी जहार शुणाणी आसंता 20 तारीख को धार्य करा जाइछि।
ଘଟଣା 20 ତାରିଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। LVI ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ତାରି ପରେ ସେଦିନ ଶୁଣାଣି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସହଯୋଗ କଲା ନାହିଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜି ତାହା ଖାରଜ ହୋଇଛି। ଆମ ତରଫରୁ ଆଜି LVA ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି, ଲେୟର୍ଡ ଭଏସ୍ ଆନାଲିସିସ୍, ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ବୋର୍ଡ଼ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଆଜି, ଏବଂ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଯେ SIT ଯେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଭଳି CCL ଉପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ। ତାର ବିଚାର ମଧ୍ୟ 20 ତାରିଖକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଥିବା କହିଥିଲେ SIT ମୁଖ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଥରକୁ ଥର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। କୋର୍ଟରେ ବୋଥ୍ରା ଦେଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ହିଁ ଦିଶୁଛି, CBI ତଦନ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, CBI ତଦନ୍ତ ନେଇ ହୋଇଥିବା ନୋଟିସ୍ର କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? SIT ବେନକାବ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ରହିଛି? ଏସବୁ ଭିତରେ କୁନି ଝିଅର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? SIT ଓ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ରହିଛି ତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି, BJP ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଏପରି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। BJP ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PA ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ BJP କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ସେମାନେ ମୋ କଥାରେ କ'ଣ କରିଦେବେ ତା ନୁହେଁ। BJP ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ଶୁଣିଲେ ତ, ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଏତଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର 13 ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, BJP ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ, ଆମେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ। ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। BJP ନେତା କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକାଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। BJDର ଏପରି ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାବଣର ଅହଙ୍କାର ରହିନାହିଁ, ଖୋଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ BJP ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି BJP ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଓ ରାଜ୍ୟସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଭଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଉଛନ୍ତି ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ନାଁରେ, ଯେ ସିଏ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଥିଲେ। ରାବଣର ବି ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ରାବଣର ବି ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ ମୋଠୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଉ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଅହଙ୍କାର କେବେ ବି ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବି ହତ୍ୟାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବାତାବରଣ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହତ୍ୟା, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଆମକୁ ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ମିଳୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ମହଙ୍ଗା ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ଅପାତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଛି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରଙ୍କୁ ଧଇଲେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିବ। ସେପଟେ ଏ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ PA ବାପି ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରର ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଉଭୟଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସବୁ ଗୁମର ଖୋଲିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏହି ଦାବି ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଶୁଣନ୍ତୁ। 10/1/2021 ସୁଦ୍ଧା
ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପିଏ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଯିଏ ପିଏ ଯିଏ ମିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ସେତିକ ଖାଲି ଆଣିକି ଯଦି କଲ୍ ଡାଇରୀ ନେବେ ତାହେଲେ ବହୁ କଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ କାହିଁକି ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଚିନି ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମାୟାଙ୍ଗା ସାରା ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ଏଇ ହେଇଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଲୁଚିକି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଇସ୍ତଫାଟା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାର ଭଲ ପୋଜିସନକୁ ଆସିବ ଆଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଯାହା ନୈତିକତା ଅଛି ପ୍ରତାପ ଜେନାରେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସେମାନେ ଏକଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏ କଥାଟାକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଜେପି ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନେ ଏତଲା ହେଇଛି ଆମ ନାଁରେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଇନକ୍ୱାରୀରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମହାଙ୍ଗା ଜବାଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ଏତଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ତେବେ କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଡ୍ନୀ ବେପାରୀ, କିଡ୍ନୀ ଦେବେ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଦୁଇ ଠକେଇର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ର୍ୟାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ସକ୍ରିୟ କିଡ୍ନୀ ର୍ୟାକେଟ୍, କିଡ୍ନୀ ଦେବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ, କିଡ୍ନୀ ଦେବା କହି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଉଥିବା ଠକ ଗିରଫ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଏହି ଠକ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ନନ୍ଦ। ଠକାମିର ତରିକା ବି ଅଲଗା, ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କିଡ୍ନୀ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଟଙ୍କା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରନ୍ତି। ଏଭଳି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତାପ ମିଶ୍ର। ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର କିଡ୍ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲେ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ସହ। ହିମାଂଶୁ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଭିତରେ ଭରସା ଏମିତି ଜନ୍ମାଇଥିଲେ ଯେ କିଡ୍ନୀ ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ 5.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ନା ମିଳିଲା କିଡ୍ନୀ ନା ହିମାଂଶୁଙ୍କ ଦେଖା। ଏନେଇ ସେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଆମରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି ବସିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଦେଇକି ସେ ମାନେ ଖୋଜିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲଡ୍ କ'ଣ ଏ ପଜିଟିଭ ନା କ'ଣ ଏ ପଜିଟିଭ ନା କ'ଣ ବ୍ଲଡ୍ ଖୋଜି ବୋଲିଲା ସେ ପିଲା, ତାର ଭଉଣୀ ନା କ'ଣ ବିହେ ହେଇଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁ ହିମାଂଶୁ ନନ୍ଦକୁ ନମ୍ବରଟା ନେ, ସେ ହିମାଂଶୁ ନନ୍ଦ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଧର ସେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେର ସିଏ ହିମାଂଶୁ ନନ୍ଦ କହିଲା ହଁ ମିଳିଗଲା ଇଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ମୁଁ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ମୋର ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ହିମାଂଶୁ ନା ସେ କରୁଛି ଠିକ୍, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେଇ ଚାଲିଲା। ଆଉ କେବଳ ପ୍ରତାପ ନୁହନ୍ତି, କିଡ୍ନୀ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୁନା ଲଗାଇଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ। ଲିଲି ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ କିଡ୍ନୀ ଦେବୀ କହି ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦକୁ 3,19,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ହିମାଂଶୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ନାମୀ ଦାମୀ ମେଡିକାଲର ରିପୋର୍ଟ ସହ ନିଜ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଆଉ ଧରାଛୁଆ ନ ଦେଇ ହିମାଂଶୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଲିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସେମିତି ତ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିନଥିଲା, ଖାଲି କହିଥିଲା ତମେ ପଇସା ଦିଅ ଯେଉଁ ଜିନିଷ 3,19,000 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଣିବୁ 80,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଇଏ ପାଇଁକି ଯେଉଁ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ନା ବମ୍ବେରୁ କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତା ସେ ପାଇଁ ଏ ପାଇଁ ସବୁ ନେଇଛି 3,19,000 ଟଙ୍କା। ରାଜଧାନୀରୁ କେବଳ 2 ଘଟଣା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ରାକେଟ୍ ପଛରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତରୁ ଛିବ୍ରଟି ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।